everyone. इनकी छह क्या बताऊं? यहाँ पर मैं, जैसे कि आपको प्रज्ञा ने बताया कि मैं झांसी से नोएडा आने वाली हूँ, तो आने के पहले एक शीतकान प्राशन पूजा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मामा के घर से पहली बार बच्चा भूखा नहीं आता, इसलिए उसका मम्मी ने प्राशन करवाया और ये इक्षित को गिफ्ट्स मिले बहुत सारे नानी की तरफ से, और इक्षित बहुत खुश हो रहा है पैसे दे के। और जो अन्नप्राशन होता है उसमें बच्चे को सबसे पहले खीर खिलाई जाती है और उसको मामा की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं। और देखिए, और इक्षित अभी सिर्फ 4 मंथ का है, अभी ये मतलब खाना बच्चे 6 मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं, बट अभी हम लोग जा रहे थे तो इसलिए उसका अभी अन्नप्राशन कर दिया। लो हड़ी पास नहीं। बड़ी की भी हो गई आज। Say hi to camera. Hi. Say hi to camera. Hello. यहाँ सामान रखा जा रहा है और ये बड़ी यहाँ बेचारे दुख में बैठे हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं आ पा रहे टेबल की वजह से। बड़ी बड़ी थके हुए लोग काम करते हुए। बेचारा बड़ी। तुम्हें इस पर्स से दिक्कत क्यों है? पापा बोलो जल्दी जल्दी हो जाओ, बड़े बड़े हो जाओ। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, बड़ी अभी भी सदमे में बैठा हुआ है। बड़ी क्या दिमाग लगा लो। इक्षित को स्विच बोर्ड बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है, वो कल से उसी के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है। देख लो बाबू, ये वाला स्विच बोर्ड। क्या देख ले हो तुम, स्विच बोर्ड क्यों देख ले हो इतना? सॉरी, आपने खुद से मारा बाबू, मेरा बच्चा का क्या करोगे? देखो अभी भी स्विच बोर्ड देख रहा है। इशू, अरे बड़ी को भाई, बड़ी की हार्ट बहुत तेज चल रही है भाई। तुमने खाना नहीं? बेटू आंटी काफी दुखी हैं। वो तो ले लेते हैं। बड़ी 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 बड़ी
उसका चेहरा ना किसी ने देखा है, ना किसी को पता है, ना किसी को बताया है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, किसकी थी छह गर्लफ्रेंड? इनकी, ये जो बैठे इनकी छह गर्लफ्रेंड का सामना करना है। मुझे नहीं बताया है उसका नाम और चेहरा कैसा है जो दिखता है, और बता दो मुझे अभी भी मौका है, अगर बता दो से चला गया तो नहीं पता नहीं पता। बाद में शादी के लिए मुझे बोला कि भाई शादी करा दो जीजा जी, कभी नहीं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊं, मैं गाना गाऊंगा ठुकरा के मेरी बात, अब मेरा इंतकाम देखेगी देखेगा देखेगा वो देखेगी ना। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, छह गर्लफ्रेंड्स है मेरी। नहीं, एक तो नहीं, छह गर्लफ्रेंड्स थी मेरी। छह लड़की का दिल रखता। अच्छा अच्छा, नाम तो बताओ। That would be more secret. अगर वो नाम बाहर आ गए, जैसे जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है ना, ऐसे मेरा और प्रियंका का युद्ध हो जाएगा। रिपोर्टिंग करेगी। अभी तो सारी सत्य घटनाएं सिर्फ मजाक पे चल रहे हैं। पूछता है बाहर, मेरा जीवन अंधकार में आ जाएगा। और अगर आप यहीं पे डायलॉग मार दो जल्दी से कि I never reveal anything until they become my ex. They have become my ex. Sorry. They are my ex now, but you know, even see, कुछ चीजें secret होती हैं। तो हमसे क्या secret? तुमसे ही तो secret। तुम बता दो प्रियंका को। बड़ी? 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 कैसा लग रहा है? बल्लू बॉय? बड़ी? बड़ी सदम। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इनका गाना कैसा लग रहा है, मिस्टर मोटिवेटर का। इसने पढ़ा है। अगर आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन चाहिए, अगर आप सबको मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और किसी भी चीज के ऊपर, तो ये आपको देंगे बहुत अच्छा मोटिवेशन कि आप एक घंटे में ही भाग जाओगे शहर छोड़ के। इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं ये, काफी लगता है इनका मोटिवेशन। इंसान अमल करता है इनके मोटिवेशन पे। तो मोटिवेशन के लिए इनको संपर्क करें, नंबर है 1212121212। तो ये लोग तो यहाँ पे अब ये लोग जा रहे हैं। बड़ी बाय बल्लू बॉय, चलो चलो बल्लू बॉय। देखो ये बड़ी भगा रहा है, गुस्सा है बड़ी। फोन ले ले। ये हमारी साफ सुथरी गली, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, इससे साफ गली नहीं होगी पूरी वर्ल्ड में शायद मेरे हिसाब से। Thank you.
बाय बाय बाय। तो अभी हम पहुंच गए हैं दतिया और अभी यहाँ से हमें लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएंगे नोएडा पहुंचने में। तो अभी हम रास्ते में हैं और रिक्शे उठ गए हैं और इनको भूख लगाई है, तो ये मुझसे दूध नहीं पी रहे थे, इनको अपने डैडा से दूध पीना था आगे बैठकर। तो ये देखिए दूध पी रहे अपने डैडा के हाथ से। और मैं नोएडा अपने घर आ गई हूँ और रिक्शित भी देखिए खेल रहा है अपने टॉय के साथ। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।